नमस्कार बच्चों, आज हम काकी कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों की कोमल भावनाओं का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। यह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें एक बालक की माता वियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है। बालक शामू अपनी माँ की मृत्यु के बाद उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है और उसका मन कहीं नहीं लगता है। जीवन चक्र से अनभिज्ञ वह अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से लाने के लिए अपने पिता के कोर्ट से पैसों की चोरी करता है, पतंग और डोर मंगवाता है, जिसकी सहायता से वह अपनी माता को आकाश से नीचे ला सके। इस प्रकार यह साबित होता है कि बालक शामू का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील है। वह अपनी माँ की मृत्यु पर वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर पाता है। कहानी का सारांश। कहानी का आरंभ ही शामू की माँ उमा, जिसे वह काकी कहता है, के देहांत से होती है। तब वह एक नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट पर ले जाने से रोकता है। लोग उसे यह कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है और कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में आसपास के लड़कों से उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ भगवान के यहाँ गई है। शामू उदास व बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता है। तभी उसे आसमान में पतंग दिखाई देती है। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और पतंग मंगवाने का कहता है, लेकिन पिता मंगवा दूंगा कहकर उदास मन से कहीं चले गए। पर शामू को पतंग तुरंत ही चाहिए थी। शामू ने पिता विश्वेश्वर के कोर्ट से एक चवन्नी चुरा ली। वह अपने हम उम्र सुखिया दासी के बेटे भोला से मिला और उसे अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम एक पतंग भेजना चाहता था, जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। भोला ने बताया कि डोर पतली है, काकी इसे पकड़कर उतर नहीं सकती, यह डोर टूट जाएगी। भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजनी चाहिए, ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से नीचे आ सके। शामू ने रस्सी के लिए अपने पिता की जेब से 1 रुपया फिर से चुराया, जिससे रस्सी मंगवाई। शामू ने कागज पर काकी नाम लिखवाकर पतंग पर चिपका दिया। अब खुशी से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तभी विश्वेश्वर को पैसे चोरी होने का पता चलता है और वहां पर अचानक क्रोधित उग्र रूप में विश्वेश्वर आ जाते हैं। फिर भोला और शामू से जेब से पैसे किसने चुराए हैं पूछते हैं। भोला डरकर सब बता देता है। विश्वेश्वर क्रोध में आकर शामू को 2 तमाचे मारते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। रस्सियों को देखकर ये किसने मंगवाई है? तब भोला बताता है कि काकी को आसमान से नीचे लाने के लिए। यह सुनकर विश्वेश्वर हैरान हो जाते हैं। फटी पतंग को उठाकर देखते हैं, जिस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी।